कम बैक टू माई नी ब्लॉग। और मैं अभी ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्कूल में ही हूँ अभी, और स्कूल में आने की वजह से मेरा जो है टाइम टेबल थोड़ा अटपटा चल रहा है। और वैसे तो मैं अभी 8 बजे आया करता था आप लोग, पर क्या करें शाम को 6 बजे आया करेगा आप लोग मेरा। और मैं अभी प्रेजेंट टाइम स्कूल में ही हूँ, और थोड़ा चलते हैं फिर स्कूल के बाहर पार्क में बैठेंगे, चलते हैं। फाइनली हम मतलब पार्क में आ चुके हैं, और पार्क में आने के बाद थोड़ी देर में बैठेंगे, पढ़ेंगे और मैं आई थिंक कुछ भी काम करेंगे। और अभी तो टाइम 11:50 हो रहा है, और 1 o'clock से हमारा ट्यूशन है, तो ट्यूशन जाने के बाद फिर हम सीधा निकल लेंगे ट्यूशन से, फिर सीधा घर। तो पहले हम ट्यूशन करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर खेलते कूदते सब कुछ हैं वैसे तो, क्योंकि थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, और यहाँ पर ही घूमते रहते हैं थोड़ा बहुत, फिर स्कूल टाइम होता है, फिर टाइम फिर ट्यूशन टाइम होता है, फिर ट्यूशन टाइम निकलते हैं जैसे कि। और आई थिंक आपको ब्लॉग अच्छे लगते होंगे, अच्छे लगते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि कुछ लोग गंदे कमेंट करते हैं कि आप ब्लॉग बनाते नहीं हो, सही बनाए बनाते हो, बेकार बनाते हो, तो आप ज़रूर कमेंट में बताना। और आई थिंक चलते हैं ट्यूशन के बाद, मिलते हैं आपको 1 o'clock पर। और ये पार्क वैसे तो बहुत ही अच्छा है, और वैसे तो पार्क बहुत अच्छा है, शाम सब कुछ है, और पीछे से आप देख ही रहोगे बैक में पेड़ ही पेड़ हैं इसमें, और अच्छा है बस सब कुछ है इसमें। मतलब आप जा चुके हैं पार्क के अंदर से, और हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली थी, और पढ़ाई करने के बाद हम थोड़े बहुत घूम रहे थे बाहर थे, और ट्यूशन का टाइम हो चुका है वो 1 o'clock से, और थोड़ा अंदर नहीं जाने दिए क्योंकि स्कूल में पढ़ा थे सर, और हमें अंदर नहीं जाने दिए हमें उनको, और अंदर नहीं जाने थे तो अब बाहर घूम रहे हैं, थोड़ी देर बाहर घूमने के ट्यूशन पढ़ने के बाद मिलते हैं बाय। फाइनली 1 घंटे हुए खड़े खड़े, और हमें मतलब ट्यूशन के वाले सर नहीं आए हैं, और ट्यूशन वाले सर अभी पता नहीं कितनी मतलब आप ही देख लो कि कितनी मतलब हो रही है हमारे साथ, कि 1 घंटा हुआ खड़े खड़े हमें ट्यूशन वाले सर अभी नहीं आए, और अभी थोड़ा टाइम है 2 o'clock होने वाले हैं, 2 o'clock छोड़ देते हैं उनको हम, और 2 o'clock होने वाले हैं। तो आप देख सकते हो आज धूप भी बड़ी तेज पड़ रही है, पता नहीं क्यों गर्मी बहुत तेज आज, तो चलते हैं मिलेंगे 2 o'clock के बाद। 10% में 10th में 56 इसकी 78 40 हम अब इस ट्यूशन से निकले हैं, और ट्यूशन से निकलने के बाद हमें थोड़ी प्यास लग रही थी, तो मैंने पहले 5 पाउच लिए थे, और 5 पाउच लेने के बाद हमने लिए 7 up मेरे जो कि मेरे दोस्त ने दवाई है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे इसने दवाई है। और अभी पहले 7 पीएंगे,
और फिर निकलेंगे ट्यूशन, दूसरे ट्यूशन के लिए निकलते हैं, इसके लिए मिलते हैं पीने के बाद। अभी मैं ट्यूशन से निकल चुका हूँ और मैं कोल्ड ड्रिंक पी थी तो बहुत मतलब बहुत ही अच्छी थी कोल्ड ड्रिंक, और मतलब मुझे बहुत ही आनंद आया था क्योंकि मेरे दोस्त ने पिलाई थी कई दिनों बाद, बिल्कुल ठंड भी थोड़ी ठंड सी हुई, और आज भी मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि 4 बजे हैं अभी तो, और धूप भी हो चुकी है, धूप भी डल चुकी है, और क्योंकि ठंड का मौसम आने वाला है ना इसलिए, तो ठंड की मौसम हो चुकी है और धूप भी शाम हो चुकी है, मतलब ठंड की हो, तो आज बाजार चलेंगे कुछ काम वाम सा है तो वहाँ चलेंगे बाजार के लिए, तो अभी फिलहाल करते हैं घर के लिए। The next day. थोड़ी पहले उठ चुका था और उठने के बाद मैंने थोड़ा घर का काम किया था, घर का काम करने के बाद में मैंने थोड़ा इधर उधर मतलब जो गद्दे वद्दे हैं वो सफाई किए, तो ठंडी आने वाली है, और मैंने कुछ काम करवाया था जैसे बिंदु बिंदु के वो एक साइड दूसरी साइड रखवाई थी, और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ पर रखवाई थी मैंने, और अभी तो मौसम मतलब थोड़ा वैसा हो रहा है बादल वादल टाइप का, क्योंकि बादल आने के वर्षा आने के बहुत ज़्यादा आसार हैं, क्योंकि वर्षा आ सकती है वैसे तो, और मौसम बरसात का मौसम हो रहा है, आप देख सकते हो पीछे कि मतलब मौसम बहुत भयंकर हो रहा है मेरे बैक में, और अच्छा है मतलब जैसे कि मेरा, और चलो आपके नई व्लॉग मिलते हैं, पहले मैं पहले कॉलगेट मतलब ब्रश वर्श करके मिलता हूँ आपको, नहा धो के मिलते हैं। सो आज फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ खाने वाने खाने, नहा धो के और खाना खाऊंगा मैं, और खाने खाने के बाद बनी है मतलब जो मम्मी ने बनाई थी सेवरी बनाई थी नमकीन वाली वो बनाई है, और पहले मैं खाना खाता हूँ और खाना खाएंगे, और आज बारिश भी बहुत पड़ रही थी क्योंकि मैं बारिश में आया था, और बारिश में आया था और मतलब मज़ा आ गया ना के, ये बात है मज़ा आ गया ना के, और बारिश में भी नहाया और सब मतलब सभी गली के सभी लोग नहाए, और हम मैं पहले खाना खाता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत लेट हो चुके हैं आज खाने के लिए, पहले खाना खाएंगे फिर मिलते हैं आपसे। बारिश फाइनली आज मतलब थोड़ी बारिश पड़ी थी तो बारिश के कारण ऐसा हो रहा है पूरा, और अभी मतलब बारिश ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और ये नहा के आ चुका है, और मैं पहले से नहा के रेडी था, और यहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत ऐसे चलता है, और अभी तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वैसे गली में देखते हैं बाहर क्या होता है, मतलब आज दीपावली आने वाली है और बटना बहुत ही चल रहे हैं पता नहीं क्यों, तो आज फाइनली यहाँ पर गली में कोई नहीं है और बारिश के कारण कोई नहीं है गली में, और यहाँ पर और पीछे बैकग्राउंड में जो लोग बटना चला पटाखे चला रहे हैं क्योंकि दीपावली थोड़े आने वाली है, दशहरा ख़त्म हुआ कल परसों, और यहाँ पर दीपावली है और पटना चल रहा है, और ये पीछे देख रहा होगा आपको दोनों बच्चे खेल रहे हैं, भाई भाई हैं दोनों वैसे तो ये, और तू लेके आया था अपनी ये आ रही मतलब आ जा तेरी इसकी इतनी इस बंदूक की ये गोली पकड़ भाई ये बंदूक है, और चला के देख रहे हैं वैसे बचपन में लाया था कभी, और अब देख रहे हैं चला के मस्त चल रही वैसे तो पेरेंट भाई। मैं फाइनल जगह हूँ और छिप के देखा तो बहुत ही बारिश हो रही है बाहर, और बाहर बाहर मैं अपने जाने की सोच रहा था क्या कर, बारिश हो रही थी बाहर तो फाइनली जा नहीं पाएंगे, और क्या करें चल देते हैं, बारिश बंद होगी तो शाम को चलेंगे, मिलते हैं 4 बजे बाद। गाड़ी हड़ी यहाँ पे तो चलो, मैं सोच रहा था कि यहाँ मिल जाएगी पर क्या करें। ये बाजार से आ चुका हूँ, वो बाजार से आने के लिए किताब लेके आया था ये अपने लिए, ये किताब बुक लेके आया था और थोड़ा बहुत घूमा था बाजार में, वाकई कारण ये 12 ऐसे हो गए मेरे, और फिलहाल टी टाइम मेरा चाय पीने का, तो चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद मिलते हैं आपसे। सो भाई फाइनली खाना खा लिया है, और अभी खाना खा के बाहर निकला हूँ, थोड़ा गली में दिख रहा था तो गली पूरी सुनसान पड़ी है कोई नहीं गली में, और फाइनली आज थोड़ा बाजार घूम के आए थे हम, तो घूम के आए थे तो ऐसा ही ठंडी मस्त हवा चल रही है,
और बारिश भी तेज हो गई थी कुछ, और पूरे मैं पूरे दिन ही पड़ी थी बारिश, तो बारिश तो पूरे दिन ही पड़ी थी और पूरे दिन तेज पड़ी थी बारिश तो। और खाना वाना खा के नट चूँ। आई होप आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक फॉर वॉचिंग।